सावधान, वैष्णो देवी के करने जा रहे दर्शन, तो ऐसे कपड़ों को कहें ना, वरना नहीं मिलेगी मंदिर प्रांगण में प्रवेश। अब माँ वैष्णो देवी के भक्तों को उनके दर्शन करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर की कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में पूजा पाठ और दर्शन के लिए कुछ ड्रेस कोड लागू किए गए हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देवी के भक्तों को शालीन वस्त्र पहनकर माता के दरबार में आने की सलाह दी है। मंदिर प्रशासन की ओर से ड्रेस कोड के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि माता वैष्णो देवी के मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को शालीन कपड़े पहनना होगा। महिलाओं को साड़ी पहनने की सलाह दी गई है। छोटे कपड़ों जैसे निकर, बरमूडा, टी शर्ट, नाइट सूट आदि पहनकर मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस तरह के कपड़े पहनकर पहुंचने वालों को दर्शन और आरती में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। यह ड्रेस कोड कड़ाई से लागू किया जाएगा। ड्रेस कोड का निर्देश पुराना, अब सख्ती से लागू। दरअसल ड्रेस कोड से जुड़ा यह नियम तो पुराना है, लेकिन मंदिर प्रशासन अब इसे अनिवार्य कर रहा है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि यह कदम मंदिर की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन नवरात्रि से अपने पुराने निर्देश पर सख्ती बरतने जा रहा है। जागरूकता के लिए जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं और ड्रेस कोड को लेकर अनाउंसमेंट भी हो रही है। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। आज यानी 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। यह 24 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान कुछ लोग पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं तो कुछ पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। पूरे नवरात्र फलाहार करने वाले भक्तों के लिए इस बार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने विशेष व्यवस्था की है। सभी यात्रा मार्गों पर भक्तों को लंगर में निःशुल्क फलाहार उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा तराकोट स्थल, सांझी छत क्षेत्र और भैरव मंदिर परिसर में होगी।